आज का हमारा टॉपिक उन सभी महिलाओं के लिए है, उन सभी लेडीज के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्होंने अभी बॉर्न नहीं किया है, उनके लिए है जिनकी न्यू मैरिज हुई है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं। और सबसे मेन बात, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है। फिलहाल ये उस हर एक महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसने अभी बॉर्न नहीं किया है एंड वो फ्यूचर में कभी ना कभी बेबी को ज़रूर बॉर्न करेगी। ये वीडियो उन सारी लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम आपको बता देंगे कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आप उनमें से कोई भी करते हैं तो फ्यूचर में आपको बेबी बॉर्न करने में दिक्कत आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में कभी बेबी बॉर्न ही ना कर पाए। देन सबसे पहले हम आपको बता दें, महिला के पेट में कभी कभी नीचे की साइड में हल्का सा पेन होता है। कभी कभी तो ये पेन सामान्य होता है क्योंकि हमारा बॉडी है, कभी कभी तो हर एक अंग में दर्द हो सकता है। लेकिन वहीं अगर महिला में पेट में या पेट के निचले हिस्से में उसको लगातार दर्द बना ही रहता है, हर थोड़े समय बाद महिला के पेट में दर्द होता है, और कई बार ये शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के जस्ट आफ्टर भी हो सकता है। इसमें शादी का कोई रोल नहीं है क्योंकि दर्द और इन्फेक्शंस जो हम आपको सारे बताने वाले हैं वो ये जान के आपके शरीर में दस्तक नहीं देते हैं कि आपने शादी की हुई है या अभी नहीं की हुई है। देन हम आपको बता दें, अगर आपके पेट में रेगुलर पेन हल्का हल्का या हल्के से कुछ ज़्यादा हर थोड़े दिन बाद बना ही रहता है तो आपको इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये कई सारी जो दुर्घटनाएं हमारे साथ फ्यूचर में घटित होने वाली हैं ये उनके भी संकेत हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ये जो दर्द होता है ये हमारे यूट्रस या फिर हमारी फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें घाव हो गए हैं या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, इस वजह से हमें पेन होता है और हम उसको सामान्य दर्द समझ के अवॉइड करते रहते हैं। हम सोचते हैं कभी ना कभी ये खुद से सही हो जाएगा, और अगर हल्का ज़्यादा होता है तो हम जो नॉर्मल पेन किलर्स होते हैं उनका सेवन कर लेते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमारा कुछ समय के लिए दर्द सही हो गया है, दर्द गायब हो गया है तो हमने इससे निजात पा लिया है। कई बार ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही हार्मफुल प्रूफ हो सकता है, एंड आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और इसके अलावा जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा बॉडी का वेट। कई बार हम अधिक दुबले होते हैं तो मोटे होने की कोशिश करते हैं, हम वेट गेन करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारा वेट सामान्य से अधिक होता है तो हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो वेट गेन और वेट लॉस के चक्कर में हम कई प्रकार की केमिकल्स से बनी हुई मेडिसिंस का उपयोग करते हैं, और हम इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं लगाते हैं कि ये किस प्रकार के हार्मोन्स के संगठित होने से ये दवाएं जो हैं हम जिनका सेवन कर रहे हैं ये बनी हैं। और ये जो हमने वेट से जुड़ा हुआ प्रॉपर मामला बताया, ये शादी से पहले महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। शादी से पहले उनको वेट गेन और वेट लॉस के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स आती हैं। देन उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स से युक्त जो दवाएं बनी होती हैं हम उनका सेवन करते हैं जो कि हमारी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। फर्टिलिटी मतलब हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं, और शादी से पहले हमको इससे कोई लेना देना होता नहीं है तो हम इस पर नज़र नहीं करते हैं, हम गौर नहीं करते हैं, और इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं होता है कि हमारी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो रही है या कुछ भी फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ मामला हम सोचते ही नहीं हैं, जिस कारण कई बार तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाती हैं। हमारा जो गर्भ का काल होता है, हमारा जो यूट्रस होता है वो हमारे गर्भ को, हमारे भ्रूण को, पूरे उसके जो 9 महीने का समय का ड्यूरेशन एक होता है बेबी के बॉर्न होने के लिए, उस तय समय तक हमारा यूट्रस उसको नहीं वहन कर सकता है। ये भी संतानहीनता का एक प्रमुख लक्षण है जो कि हर एक महिला को काफ़ी नोटिस करने जैसी बात है, आपको ध्यान देना है। और इसके बाद कई बार हमारी न्यू मैरिज हुई होती है, हमने अपनी मैरिज लाइफ को स्टार्ट ही किया होता है, और उस टाइम पर हम फिजिकली और मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हम बेबी को बॉर्न करें। देन हम कई बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेते हैं और हम बेबी नहीं चाहते हैं तो हम अनवांटेड जो पिल्स होती हैं उनका सेवन करते हैं।
जो भी हमारी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करती है। कई बार इसके कारण भी हमारा जो गर्भाशय होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और हमको कंसीव करने में फ्यूचर में हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन आपको ये सारी बातें नोटिस करनी है, आपको ध्यान रखना है। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी यूट्रस की जो आंतरिक भित्ति है, जो अंदर की वॉल है, उसमें इन्फेक्शन है या उसमें जख्म के निशान पड़े हुए हैं, जिस कारण हमें हल्का हल्का पेन होता है, हमें पेट में दर्द महसूस होता है और हम इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसके प्रति हम बिल्कुल लापरवाही बरतते रहते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि हमारी फर्टिलिटी वीक है या फिर हम बेबी को बॉर्न ही नहीं कर सकते हैं, हम फ्यूचर में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तब हमें तकलीफ़ होती है। क्योंकि अगर आप एक लेवी हैं देन कभी ना कभी आपको बेबी की आवश्यकता पड़ेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आफ्टर मैरिज अगर आप एक साल तक बेबी प्लान नहीं करते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल, हमने 10 साल मान लिए, लेकिन कभी ना कभी आपने बेबी के बारे में ज़रूर सोचा होगा, देन आपको ये सारी जो लापरवाहियाँ हैं ये आपको नहीं बरतनी है। कई बार तो हम इतनी लापरवाही बरत जाते हैं कि ये जो इन्फेक्शन और ये जो जख्म के निशान होते हैं ये बढ़ते बढ़ते हमारे यूट्रस से होते हुए हमारे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, हमारी ओवरी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। देन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आप महिला हैं तो आपके सैकड़ों सुखों में से एक सुख है जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, वो है आपके माँ बनने का सुख। देन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आई होप कि आपकी जानकारी समझ में आई होगी। तो अगर आपके मन में अब कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।